मतलब लड़की यादवपुर से है तो लड़का कुशवाहापुर से है, जाति कि जो जाति प्रथा जो गलत चीज है उसको तोड़े हैं। तोड़ा आप लोग, धन्यवाद आपका। व्यवस्था को तोड़ा गया है और इसमें बिल्कुल ही दहेज प्रथा को भी तोड़ा गया है। किसी भी बेटा पक्ष से किसी भी तरह का दान दहेज नहीं दिया गया है, इसलिए ये समाज में एक अनुकरणीय शादी है जिसको लोगों को अपनाना चाहिए। करो विदाई मानव मानव भाई भाई, जात पात की करो विदाई मानव मानव भाई। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील में मौजूद हूँ और मोहम्मदाबाद तहसील क्यों प्रसिद्ध है बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे 8 लोग शहीद हुए थे आज़ादी की लड़ाई में और इसी मोहम्मदाबाद से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने कांग्रेस का नेतृत्व भी किया था। उस जनपद में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक बिहार से लोग आए हुए हैं आनंद मार्ग की शादी करने के लिए। अंतर जातीय एक दूसरे जात से हट कर के शादी करने के लिए एक बहुत अहम फैसला है, बड़ा फैसला है। आज पूरा समाज जात से भारत तबाह हो बर्बाद हो रहा है, ऐसी जगह पे एक दूसरे जात के लोग दूसरे जात के लोग शादी कर रहे हैं। मैं पहले तो इन दोनों वर बहू के पिता को घर वालों को मुबारकबाद देता हूँ जी 72 न्यूज़ कि आप एक नया कदम उठाए हैं। मैं आपसे परिचय जानते हुए ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा फैसला क्यों किया। हम लोग आन मार्ग धर्म से को मानते हैं और आन मार्ग के प्रवक्ता श्री श्री आन मूर्ति जी अंतर जातीय विवाह का जो रूप दिए उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यह आन मार्ग गुरुदेव की यह सोच है कि समूचा विश्व जो है वह एक बंधुत्व में बन जाए, कहीं कोई भेदभाव नहीं हो, न जात का भेद हो न धर्म का भेद हो, या जात धर्म से ऊपर उठकर मनुष्य जाति को ही मानकर हम लोग इस कदम को लेकर आगे बढ़े हैं और इस विवाह को संपन्न किए। ऐसी शादी कर करके आप क्षेत्र के लोगों को क्या पैगाम क्या संदेश देना चाहते हैं? यह संदेश है कि मनुष्य ने जो जन्म लिया है वह कोई न जात लेके जन्म लिया है न कोई धर्म लेके जन्म लिया है, वह मनुष्य सिर्फ मनुष्य में ही जन्म लिया है। तो मनुष्य मनुष्य सभी एक हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, यही संदेश हम देना चाहते हैं। अभी वर पक्ष और दोनों पक्ष ने जो शपथ लिया है उसके बारे में बताइए आप, क्या शपथ लिया लोगों ने? वह शपथ जो वर वधु शपथ ली वह दोनों एक दूसरे को यह शपथ दी कि हम इनके मानसिक आध्यात्मिक और जागतिक तीनों क्षेत्र के उन्नति में हम एक दूसरे का सहायक बनेंगे। अब जरा अपना परिचय दिया नहीं आपने, परिचय दिया। मैं सत्यदेव कुमार दास वर के मामा हूँ और मेरा घर बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ शादी करने के लिए। यह मार्ग में जो शादी होती है यह मार्ग से ही जुड़े हुए लोग जब किसी फंक्शन में जाते हैं वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और उस जानकारी के अनुसार ही हम लोग शादी का निर्णय लेते हैं कि हमको यहाँ शादी करना उचित होगा या अनुचित होगा। इस तरह की शादियाँ जो होगी आपकी तो बाद में डिफरेंसेस पैदा नहीं होते हैं? अंतर जातियाँ होती हैं, एक हम दूसरे जात के हैं आप दूसरे जात के हैं, ऐसे अवसर पे लोग आपको हीन निगाह से देखते ही नहीं देखते? नहीं देखते हैं। हम लोग आज यह नई शादी नहीं है, हम लोग अपने मैं भी शादी किया हूँ यही आन मार्ग पद्धति से, मेरे हर सब भाई का शादी है इसी आन मार्ग पद्धति से, मेरे भंगना भंगनी बेटा का शादी है इसी पद्धति से। हर जगह हम लोग अंतर जातीय विवाह ही किए हैं और हम समाज से कोई आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? मैं कुशवाहा जाति से बिलोंग करता हूँ। लड़की पक्ष किस कौन सी जाति? ऐसे तो
जो है जाति या लौकिक जाति बोलने का भी आदेश नहीं है। इस धर्म को मानने वाले को इस लौकिक जाति को बोलने का भी आदेश नहीं है, लेकिन आप एक पत्रकार हो के यहाँ हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यह लौकिक जाति आपको बता रहा हूँ, नहीं तो यह बताना भी नहीं चाहिए कि मैं किस जाति से हूँ। जाति कर्म से होता है, कोई जात धर्म जात ले के पैदा नहीं होता है, जाति कर्म से होता है। तो कर्म मेरा कुशवाहा का था, इसलिए हम कुशवाहा हैं। और यहाँ जो लड़की पक्ष है वह यादव कुल से है, यादव जाति से है, यही रियली सही मानों में जो फैसला है, ये फैसला यकीनन पूरे भारत के लिए एक बड़ा फैसला है। और मैं समझता हूँ, जो मेरी सोच है, इस टू न्यूज यही सोचता है कि पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में दो जाति है, एक मर्द एक औरत की जाति है, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। ये सिर्फ जो जातियाँ बनाई गई हैं आपस में बांट कर राज करने के लिए है। मैं इस तरह की शादियों को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ, ऐसी शादियाँ होनी चाहिए ताकि लोगों से जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए। टू न्यूज के लिए जावेद बिन अली। और इसको हम तोड़ेंगे, इसलिए अलग लड़की यादवपुर से है तो लड़का कुशवाहापुर से है, जाति व्यवस्था को तोड़ा गया है और इसमें बिल्कुल ही दहेज प्रथा को भी तोड़ा गया है। किसी भी बेटा पक्ष से किसी भी तरह का दान दहेज नहीं लिया गया है, इसलिए ये समाज में एक अनुकरणीय शादी है जिसको लोगों को अपनाना चाहिए। ये आनंद मार्ग विधि से संपन्न हुआ है, ये जो है, और इसके बारे में ही एक विशेषता है। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। मानव मानव एक है, मानव मानव एक है, एक चूल्हा एक चौका, एक चूल्हा एक चौका, एक है मानव समाज। विश्व बंधुत्व कायम हो, कायम हो, कायम हो। विश्व बंधुत्व कायम हो, कायम हो, कायम हो। विश्व के नैतिकवादियों, एक हो, एक हो। विश्व के नैतिकवादियों, एक हो, एक हो। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। मैं इस वक्त ऐसी शादी मौजूद हूँ जो शादी को यकीनन पूरे समाज के लिए मोहम्मदाबाद की स्वेदी धरती से यकीनन यहाँ से बड़ा पैगाम जाएगा। मैं दूल्हे का परिचय जानते हुए ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसी शादी करने का फैसला क्यों लिया? मेरा नाम दिलेंदु आनंद है। आपने ऐसी शादी करने का फैसला क्यों किया? आज इतना धाम धाम काम दे होता है, ऐसी छोटी सी शादी की आपने, कैसे क्या फैसला कैसे किया? ये मेरे परिवार बहुत पहले से आनंद मार्ग को फॉलो करते हैं। अच्छा। और आनंद मार्ग में ये नियम है कि इंटर कास्ट मैरिज कंपलसरी है। अच्छा, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। अच्छा। तो इसलिए हमको ये जो इंटर कास्ट मैरिज किए हैं। अच्छा, कितना खुशी महसूस हो रही है आपको? ये बहुत खुशी हो रही है। अच्छा। कि जो जाति प्रथा जो गलत चीज़ है उसको तोड़े हैं। धन्यवाद आपका। चंद्र प्रभा। तो आपने जो शादी किया है, आप लोगों ने कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत बेटर फील कर रहे हैं। बोलिए। और आपका अच्छा लगा आप लोगों को? बालापुर निवासी हो और जगह देखती थी कैसे धूमधाम करते थे? तो हम लोग शुरू से ऐसे देखते आ रहे हैं, धूमधाम से कोई मतलब ही नहीं रखते। जानते हुए मैं ऐसी शादी मौजूद हूँ जो एक अनोखी शादी है, और इस शादी के जो संचालक कर रहे थे मैं इनसे परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि शादी का मकसद क्या था और क्या पैगाम देना चाहते, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारा समाज को यही संदेश है कि जो जातिगत वर्ण व्यवस्था समाज में फैला है और जातियों के बीच में जो आपस की लड़ाई है कि हम श्रेष्ठ हैं, दूसरी जाति छोटी है, ये जातीयता का जब तक बंधन रहेगा तब तक
विश्व बंधुत्व कायम हो नहीं सकता है। हम लोग एक ही परम पुरुष के बेटे बेटियां हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड मेरा होमलैंड है, उसमें रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सब हमारे कुटुंब हैं। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। यदि मैं खुद ही जाति को मानूंगा और दूसरी जातियों को घृणा करूंगा तो मैं कैसे परमात्मा से प्रेम कर सकता हूं? ये शादी जो है दहेज से ना दहेज की है, ये शादी लड़की का पिता ने मांचा कराई है, है बिना दान दहेज का ये शादी है। अच्छा। दान दहेज का कोई भी अवसर नहीं है। ये एक क्रांति, इसको हम इसलिए क्रांतिकारी विप्लव विवाह कहते हैं। ये इंटरकास्ट मैरिज है, दो कास्टों का मिलन है। लड़का जो है कुशवाहा कुल से आते हैं और लड़की यादव कुल से है। लड़का का क्वालिफिकेशन है बीटेक है, इंजीनियर हैं और शक्ति नगर रेलवे में ही कार्यरत हैं। लड़की जो है यहीं आपे की गांव के बालापुर से हैं, वो भी एमएससी कर रही है वो केमिस्ट्री से। और ये बिल्कुल आप लड़का लड़की का जो शादी है दोनों के पारिवारिक मिलन से है। दो परिवारों ने पहले भी देखा, उसके बाद आपस में सामाजिक स्वीकृति के साथ ये शादी हुआ। धन्यवाद। ये कि आप यहाँ आए हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पूर्णिया बिहार से आए हैं। क्या नाम? मेरा नाम अचिंत लाल दास है, मैं नीलेंदु आनंद का नाना हूँ। हाँ, और हम 63 में साधना लिया है। अच्छा। तभी से मैं आनंद मार्गी हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ संत मत का बहुत लोग हैं और उनका आचार्य है स्वामी मिहिदास, जो बनमनखी पूर्णिया का ही जन्म हुआ है वहीं। उन्होंने वो लोग हम लोगों का नारा चुरा लिया है, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, मानव मानव एक है। जब नारा दिया तो वह कास्ट में शादी करता है, कहता कि मेरा जात नहीं है, हम नहीं करेंगे शादी। फिर मानव मानव ये क्या है, यह चोरी क्यों, चोरी नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते हैं करनी जो है वही कथनी भी है। हम लोग कहते हैं मानव मानव एक है तो हम मानव मानव एक करके इंटरकास्ट शादी करते हैं। अच्छा। और वह लोग मानव मानव एक बोलता है लेकिन शादी कास्टे में करता है, तिलक लेता ही है, फिर कौन सी बोलते हैं मानव मानव एक? तिलक लेते नहीं, हम लोग तिलक नहीं लेते हैं। अच्छा। यह बाबा का आदेश है कि तिलक लेकर के शादी नहीं करेगा। आप मेरा दोस्त है, समझी है, नाना है, काका है, अगर आप अपने बेटा का शादी तिलक लेके कीजिएगा, आप मेरा बहुत नजदीकी हैं, तो हम आपके यहाँ जाके काम कर देंगे, लेकिन खाएंगे नहीं और पानी नहीं पिएंगे आपके यहाँ। हम खाना भी मेरा तो आप बताइए मुझे, आपकी आप लोग इस तरह शादी करते हैं तो आप अपने को हिंदू समझते हैं कि क्या समझते हैं? हम तो मानव समझते हैं अपने को, न हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं। अगर कोई कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, कोई कहता है कि हम हिंदू हैं, हमको परिचय दीजिए कि आप मुसलमान हैं, हम मान लेंगे कि हाँ आप मुसलमान हैं। अगर आप कहते हैं कि हम राजपूत हैं, हम मान लेंगे कि आप राजपूत हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप हिंदू न मुसलमान कुछ नहीं हैं, आप क्या हैं, आप हैं शुद्ध, आप हैं क्षत्रिय, आप हैं वैश्य और आप हैं विप्र, आप चारों जात हैं। अगर आप हमसे पूछ वो मनुष्य समझते हैं, मनुष्य समझते हैं, हम आदमी हैं। इसी बात का आप अपने लोगों को बताते भी हैं? जी हम बताते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों कहते हैं, लोग नहीं समझता है यह उनकी गलती है, मेरा काम है कहना। हम क्योंकि यह परम पुरुष का जाने का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपने देखा, सही आपने कहा कि बिना पूरे विश्व के अंदर में दो ही जातियां हैं, एक मर्द एक औरत की, इसके अलावा कोई जातियां नहीं है। हाँ, वह अफ्रीका में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए या भारत के अररिया में चले जाइए, सबकी एक ही जाति है, एक औरत एक मर्द की। इस शादी को देखने के बाद लोगों को सोचना चाहिए। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। आप अपना परिचय देते बताइए कि आपने ऐसी शादी करने का निर्णय क्यों लिया? हम डॉक्टर राधाकृष्ण जिला गाजीपुर से, हम आनंद मार्ग संस्था से जुड़े हुए हैं। हम लोग बिना दान दहेज रहित
जो सुबह जो लड़के को देखा, क्योंकि जो लड़के खोजने में बहुत ही पैसे लगते हैं और ये संस्था के द्वारा आनंद मार्ग संस्था के द्वारा जो लड़का MBBS डॉक्टर चाहे इंजीनियर लड़का हो मिल जाता है और उस हिसाब से तिलक भी नहीं देना पड़ता है और फजूल खर्च भी नहीं होता। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं वो अपने दान दहेज रहित शादी और समाज को जो संस्कृत होता जा रहा है उसको बचाने की प्रयास किया जा रहा है और उससे जब युवा वर्ग इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेगा तो जात पात भी मिटेगा, दान दहेज भी मिटेगा और जो है गरीबी भी नहीं आएगी। क्योंकि एक शादी करने में अगर जैसे अभी आज शादी हो रही है जो लड़का MTech रेलवे में है इंजीनियर है लड़का, उस पर अगर ऐसे शादियाँ होने के लिए कम से कम 25-30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं और इस संस्था के द्वारा जो है ये खर्चे बच जाते हैं और ना ही होता है लड़की के। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह और जात पात भी इसमें मिटता है, जात पात होती है अलग बिरादरी, इससे क्या होता है भाईचारा भी बढ़ता है और एक होने का विश्व बंधुत्व एक धन्यवाद। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आनंद मार्ग के एक ऐसे व्यक्ति से जो यहाँ प्रचार करते हैं लोग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय देते बताइए कि आप किस बात का लोगों को संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार इस चैनल को, नमस्कार। मेरा मैं आचार्य कीर्ति भूषणानंद अवधूत, हम लोग आचार्य हैं, आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रचारक हैं। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 देशों में काम करते हैं। तो ये आनंद मार्ग मैरिज जो बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं क्रांतिकारी विवाह, एक विप्लवी विवाह। ऐसे तो विवाह 8 प्रकार के हैं, बोलते ब्रह्म विवाह, ऋषि विवाह, गंधर्व विवाह, पचास विवाह, इस तरह का शूद्र विवाह। तो इस तरह का समाज दर्शन में, समाज शास्त्र में 8 प्रकार के विवाह हैं। तो इस तरह का एक क्रांतिकारी विवाह जो पहले महाराजा लोग, राजा लोग युद्ध करके अपने शक्ति से सब तरह से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक से वो अपने शक्ति से अर्जन करके कन्या को लाते थे और खुशी खुशी उनको होते थे। तो ये विवाह देख रहे हैं कि आप, ये विप्लवी विवाह है, क्रांतिकारी विवाह, ये आनंद मार्ग में। और इसमें लड़की के तरफ से भी पूछा जाता है, लड़का की तरफ से पूछा जाता है। लड़की अपने से अभी शपथ लिए, मैंने अपने स्वेच्छा से स्वामी के रूप में ग्रहण किया, इनको शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों स्तर से उनको हम हर तरह से करेंगे अपने से शक्ति, और इस विवाह का साक्षी हुए। तो ये विवाह राजा महाराजा लोग होते थे, उनको ऋषि मुनि लोग करते थे। इस शादी में आप क्या देना चाहते हैं देश को? हाँ, ये शादी में जो संदेश है हम पूरे देश को और पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि सभी युवा युवती, ये अपना एक संदेश है आनंद मार्ग तरफ से कि इसमें एक तो गरीबी मिटेगा और उसके बाद उनके अंदर में एक जोश होगा कि हम एक क्रांतिकारी विवाह करें उसमें। और तभी हो गए जब वो साधना करेंगे, जो यूनिट माइंड मर्ज टू कॉस्मिक माइंड, जो छोटे मन बड़े मन में जब वो मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप को सोचेंगे। तो हम चाहें वो लोग मेडिटेशन सीखें और ये विश्व में संदेश जाएगा कि एक ऐसा विवाह तो ऑलरेडी हो ही रहा है, लोग अपने आप में नौकरी करते हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ सबसे सहयोग से होते हैं। धन्यवाद बहन जी, आपसे मैं जाना परिचय जाना चाहता हूँ। आपका नाम? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर आए और इस चीज़ को यानी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ये नया एक तरह से समाज में कुछ देखने को मिल रहा है। मैं वैसे आनंद मार्ग संस्था से बिलोंग करती हूँ, आनंद मार्ग संस्था की सन्यासी आचार्यगण हैं
आनंद अनन्या आचार्य, जो कि हम इस देश में, इस समाज में एक क्रांतिकारी विवाह जिसको बोलते हैं, जो कि जाति प्रथा से बहुत ऊँचे उठ के हैं और कोई भी दहेज प्रथा को यानी दूर किया जा रहा है इस संस्था के माध्यम से, आनंद मार्ग प्रचारक संघ के माध्यम से, कि संस्था में कोई भी जाति हो, कोई भी दहेज प्रथा हो, इसको यानी तोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से पहले के बीसी महात्मा जो थे, पहले के जो समाज में थे, सब अलग अलग थे और अलग अलग कुटी में अलग अलग यानी जाति प्रथा को तोड़ के एक साथ शिव पार्वती का जिस तरह से विवाह होता था, उसी तरह से ये है और इस को यानी तोड़ा जा रहा है समाज में, कि कोई भी दहेज ना लिया जाए। लड़की को एक तरह से दहेज लेके हम खरीदा जाता है, खरीदना नहीं है हमें। समाज में पंडित को भी इग्नोर किया जा रहा है, यहाँ पंडित को कोई मान्यता नहीं दी जा रही है। पंडित क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, कितने लाखों लाख रुपया खर्चा हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। तो हम समाज को यही बताना चाह रहे हैं कि दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए और जाति प्रथा को भी ख़त्म किया जाए। मुझे बताइए आप।